जय श्री कृष्णा। श्रीनाथ जी ने अपने श्रीहस्त से लिखाया प्रयाग के गोपालदास जटाधारी को श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को पंखा करने की सेवा सौंपी थी। वे प्रातःकाल से स्नान करके श्रीनाथ जी के निकट जाकर श्रीनाथ जी को पंखा करते थे। इस सेवा में उन्होंने इतना आनंद आता था कि समय का भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए आचार्य महाप्रभु जी ने उन्हें अनुसार श्रीनाथ जी के विश्राम के समय में भी श्रीनाथ जी को पंखा करने की आज्ञा प्रदान की, किंतु यह आदेश भी दिया कि अनुसार में आँखें मीच कर पंखा करना, नेत्र मत खोलना। वे रात्रि में भी श्रीनाथ जी को पंखा करते थे। एक बार श्रीनाथ जी ने उन्हें गोपालदास नेत्र खोलो, मेरे दर्शन करो। तब गोपालदास ने विनती की, महाराज मुझे आचार्य महाप्रभु जी ने अनुसार में नेत्र न खोलने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं नेत्र खोलकर आपके दर्शन नहीं कर सकता। उनकी आचार्य की आज्ञा के प्रति ऐसी निष्ठा देखकर श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। वे उन पर ऐसी कृपा करते थे कि उनके मुख से अपने श्रीहस्त से महाप्रसाद भी खिला देते थे। अनुसार में श्रीनाथ जी स्वामिनी जी पदार्थी और श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी की परस्पर जो वार्ता होती वह भी वे सुनते थे और पंखे की सेवा निरंतर करते रहते थे। ऐसी अपार कृपा श्रीनाथ जी गोपालदास पर की थी। नींद में भी सेवा, आचार्य श्री महाप्रभु जी रात्रि में एक दो बार उठकर देखते थे कि सभी सेवक सेवा कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं, कोई अलौकिक चर्चा में मग्न तो नहीं है। आप श्री ने एक दिन गोपालदास को पानघर की सेवा सौंपी। आषाढ़ के दिन थे, बहुत उमस थी। गोपालदास ने पान छाप पर बिछा दिए थे और उन पर गीला कपड़ा ढककर वे पंखा कर रहे थे। उस समय उन्होंने नींद का झोंका आ गया, किंतु उस समय में भी गोपालदास पान पर पंखा बराबर करते रहे। आचार्य श्री को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यह नींद में भी श्रीनाथ जी की सेवा करता रहता है। जय श्री कृष्ण।